यूआईडीआई की तरफ से हाल ही में एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में बताया गया है कि अब आप अपने फेस को स्कैन करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस ट्वीट में सभी इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि आप कैसे अपना फेस स्कैन करने के बाद अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस, और आज की वीडियो में हम फेस स्कैन करके आधार कार्ड डाउनलोड करने का कम्प्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यूआईडीआई की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, रेजिडेंट्स आर नाउ यूजिंग द फेस ऑथेंटिकेशन फीचर बाय डाउनलोडिंग द यूआईडीआई आरडी ऐप। यानी कि आपको एक आरडी ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसके थ्रू आप अपना फेस स्कैन करने के बाद अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस ट्वीट में एक वीडियो को भी अपलोड किया गया है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप किस तरह से अपना फेस स्कैन करने के बाद अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को प्ले करने के बाद आपको यहां पर कुछ दिए जाते हैं, जहां पर आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आपको बताया गया है, फेस ऑथेंटिकेशन नाउ अ रेजिडेंट कैन ऑथेंटिकेट देमसेल्फ यूजिंग यूआईडीआई फेस ऑथेंटिकेशन आरडी ऐप। यानी कि आपको एक आरडी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। उसके थ्रू आप अपना फेस स्कैन करेंगे कुछ इस तरह से। आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फेस स्कैन हो जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड काफी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में आधार फेस आरडी ऐप कुछ इस तरह की दिखाई देगी। आप यहां पर देख सकते हैं इसके 100 के प्लस डाउनलोड्स हैं। आप इसको यहां इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर गाइडेंस दी गई है कि आप किस तरह से अपने फेस को स्कैन करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फेस स्कैन करने के लिए आपको यहां पर बताया गया है कि आपके फेस पर एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, आपका फेस वन साइडेड ना हो और आपके फेस पर कोई शैडो ना हो, और आपके कैमरे में आपका फेस प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ताकि आपके फेस को कैप्चर किया जा सके। अगर आपका फेस अच्छी तरह से स्कैन हो जाता है तो आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर आपका फेस ठीक तरह से स्कैन नहीं हो पाता है तो आपके ऐप पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नो फेस डिटेक्टेड, और आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आपका फेस लाइट की तरफ हो, यानी कि आपके फेस पर एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। इसके बाद आपको कैमरा को थोड़ा पास रखना है। अगर फिर भी स्कैन नहीं होता है तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी बैकग्राउंड को चेंज करें, यानी कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद आप अपना फेस स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कैमरा के लेंस को क्लीन कर लें, जिसके बाद आप अपना फेस कैप्चर कर सकते हैं। आप इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी न्यू ऐप है, तो कुछ लोगों के लिए ये वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगी। मेरे प्ले स्टोर से ये अभी इंस्टॉल नहीं हो रही है। जब ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगी तो आपको इस पर एक और वीडियो मिल जाएगी, जिसमें फेस स्कैन करने के बाद आधार डाउनलोड करना सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपके फोन में ये वाली ऐप अभी वर्क कर जाती है तो आप इस ऐप को एक बार जरूर यूज करें। ये काफी अच्छी ऐप है और काफी अच्छा फीचर भी इसमें दिया गया है कि आप अपना फेस स्कैन करने के बाद अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से आप फेस ऑथेंटिकेशन आरडी ऐप की हेल्प से अपना फेस स्कैन करने के बाद अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।